Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I am discussing NDA previous year question solution. Topic trigonometry. So in this video, I am going to discuss year 2018 second session all trigonometry questions. So this is my live class schedule. Please do share with friends and juniors, and please do join my live class. Coming to the first question, questions थोड़ा सा easy है, मतलब थोड़ा सा blurred है, तो ये क्वेश्चन पेपर का ही फॉल्ट है बेसिकली. तो देखो क्या है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो वी नो द आइडेंटिटी राइट, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहां से क्या आएगा, secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, secant स्क्वायर थीटा. एंड 1 अपॉन secant स्क्वायर थीटा मीन cos स्क्वायर थीटा. ओके, तब देखो ये tan थीटा मींस क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा. तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा. ये क्या फॉर्मूला क्या है इसका, sin 2 थीटा. तो देखो आंसर आ गया है ऑप्शन सी. अब चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, साइन थीटा सॉरी सिकेंड थीटा माइनस अल्फा सिकेंड थीटा एंड सिकेंड थीटा प्लस अल्फा इन एपी. तो एपी में है तो इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं हम, इसका प्रॉपर्टी होती है ना एपी का, तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे. चलो देखते हैं. तो ए बी सॉरी मैं व्हाइट इंक से लिखती हूँ, ए बी सी आर इन ए सी, इसका मतलब क्या होता है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो यहाँ पे क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ सिकेंट थीटा इज इक्वल टू सिकेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस सिकेंट ऑफ थीटा माइनस अल्फा. ओके, तब चलो ये पूरा कॉस में कन्वर्ट करते हैं, टू बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस वन बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा. ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालते हैं, टू बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा. ओके, तब चलो कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसका फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी फॉर्मूला, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाय टू. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, टू कॉस थीटा ये तो है ही, ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर वन मोर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा. ओके, तो देखो क्या हो रही है बेसिकली, इधर साइड पे क्या है, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, ये फॉर्मूला है तो कॉस ऑफ होता है ए प्लस बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा पूरा, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा तो टू थीटा प्लस ए माइनस बी तो कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा. तो अब साइन क्या करनी है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू. तो यहाँ से क्या आएगा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, या साइन तो हमें साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल जाएगा यहाँ से. तो देखो एक मिनट, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ रहा है देखो, टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं. तो ऐसे ही रहने दो, पहले तो टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, हम लेफ्ट साइड को पहले फॉर्मूला पे लिख लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन. मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या आ रहा है, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म एक साइड पे लेके आ जाओ,
टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस वन इक्वल टू क्या है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू, ठीक है। यहां से क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू मतलब यहां से डायरेक्टली साइन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं डायरेक्टली, कॉस स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ टू टू कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस वन इंटू कॉस अल्फा प्लस वन, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस अल्फा, ओके। ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तब देखो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा, तो इज इक्वल टू जीरो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गया है, जीरो। तो आंसर देखो, आंसर क्या होने वाला है, ये जीरो। आई होप तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया है, ये इतना सा स्टेप, इसके बाद स्टेप कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया है हमने, बेसिकली इधर साइड का फॉर्मूला को अप्लाई किया है, ओके। तो ये जो टू कॉस स्क्वायर थीटा टर्म है और ये जो टू कॉस स्क्वायर थीटा टर्म है, एक साइड पे लेके आ गया है और बाकी टर्म दूसरा साइड पे, ठीक है। चलो आंसर आ गया है हमारा जीरो। तो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। देखो क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें फाइंड करनी है साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c। चलो हम फाइंड करते हैं इसका भी। तो देखो साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, तो इसका हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। क्या होती है फॉर्मूला, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो टू ए प्लस टू बी बाई टू, और साइन ए माइनस बी बाई टू, तो टू ए माइनस टू बी बाई टू माइनस साइन टू सी, ओके। यहाँ से क्या आएगा, टू कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसमें से क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, टू साइन सी कॉस सी। अब देखो क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई, तो ए प्लस बी क्या आएगा, पाई माइनस सी, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी, तो ये क्या होती है, माइनस कॉस सी, ओके। तो माइनस टू कॉस सी साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस टू साइन सी कॉस ऑफ, तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस टू कॉस सी कॉमन लेते हैं, क्या रहेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन सी। लेकिन साइन सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा, देखो माइनस टू कॉस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, माइनस टू कॉस सी इंटू क्या होती है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ओके। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो देखो माइनस ए, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा माइनस टू बी, तो चलो पाई माइनस सी था, हाँ ठीक है, इधर भी पाई माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बी कैंसिल हो जाएगा, ओहो सॉरी यहाँ पे प्लस था तो इसीलिए मुझे लग रहा था, चलो इसमें फॉर्मूला मैंने गलत कर दी हूँ, तो रुको एक मिनट, हाँ तो माइनस कॉमन ले लिए थे ना हमने, तो इसमें प्लस आ गया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रहा है। तो क्या होगा, देखो माइनस टू कॉस सी, तो फॉर्मूला क्या होगा इसकी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू,
cos a minus b by 2, a minus b minus a minus b by 2, ठीक है। तो माइनस फोर कॉस सी साइन ए एंड कॉस बी, तो क्या हो रही है बेसिकली, माइनस फोर साइन ए कॉस बी कॉस सी। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये डायरेक्टली, और कुछ नहीं था इसपे। चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि इफ ए इज एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट सैटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन है, उसके बाद हमें फाइंड करना, क्या फाइंड क्या करना होगा, ए की वैल्यू। चलो हम सॉल्व करते हैं इस पे। तो देखो बेसिकली क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, टैन एंड कॉट नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो पहले तो इसमें पूरा टैन में कन्वर्ट करते हैं, 3 × 3 माइनस टैन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 माइनस टैन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि 3 इधर आएगा, आ जाएगा प्लस और माइनस। यहाँ से क्या आएगा, देखो दो वैल्यू निकल सकते हैं हमने, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो चलो दोनों कंसीडर करते हैं। ये जब प्लस है 3 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ से क्या आने वाला है, टेन माइनस कॉमन ले लो तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए माइनस 3 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम या नहीं। एक मिनट मैं सॉल्व करती हूँ इसको भी। तो टेन की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो देखो मैं सोच रही थी कोई इजी मेथड, एक मिनट, इससे ना थोड़ा लेंदी होगा। चलो मैं थोड़ा इजी मेथड से सॉल्व करती हूँ, इसमें काफी लेंदी हो जाएगा, तो हमें तो सिर्फ ऑप्शन से वीक कर सकते हैं ना। तो अगर चेक करते हैं, अगर ए इज इक्वल टू 300 है, फर्स्ट ऑफ ऑल 300 से 360 के बीच में, मतलब 270 से 360 के बीच में रहेगा। तो देखो एलईएचएस क्या आने वाला है, 3 × 3 माइनस टेन स्क्वायर 300, तो 300 मतलब माइनस कॉट ए का होल, कॉट 300 का होल स्क्वायर। तो देखो 300 मतलब क्या होगा, 270 प्लस 30 बा 190। 270 प्लस 30 से डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 360 में 300। तो टेन 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एक मिनट, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300। तो मैं जो प्रोसेस से पहले बता रही थी ना, उससे काफी लेंदी होगा, उससे कोई फायदा नहीं है, ट्रिक से फाइंड करनी है हमें। तो 2π माइनस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस टेन 60 डिग्री, कॉट के लिए भी सेम, तो 3 × 3 माइनस माइनस टेन 60 का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 × क्या हो जाएगा, 3 − 3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल। तो 3 × 1/3 तो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब आंसर होगा 300। बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से हो गया ही ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ना, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी 0 to 2π, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालिए हैं हमें। तो क्या करेंगे, 1 by sin x प्लस
कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, तो वन प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। फॉर्मूला क्या होती है इसका, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू रूट थ्री। तो देखो टू कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री। तो यहाँ से क्या आएगा, कॉट एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन अपन रूट थ्री। एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ सकते हैं, यहाँ से एक्स बाई टू इज इक्वल टू कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो एक्स बाई टू इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेन थर्टी डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, इसका मतलब हाँ सॉरी फोर्थ क्वार्टर नहीं फॉर थर्ड क्वार्टर, तो अरे यार एक मिनट सारे के सारे चला गया है, रुको मैं फिर से लिखती हूँ। कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, यहाँ से क्या आया था, वन प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। तो क्या आया था देखो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री। तो क्या आ रहा था, कॉट एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री। तो यहाँ से टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन अपन रूट थ्री। तो एक्स बाई टू की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, पाई बाई सिक्स एंड पाई माइनस प्लस पाई बाई सिक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पाई प्लस पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से देखो सेवन पाई बाई सिक्स आएगा, तो सेवन पाई बाई सिक्स मतलब आंसर तो नहीं आने वाला है, देखो देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री, हाँ आंसर एक ही ऑप्शन आ रहा है फिर यहाँ से, तो एक्स इक्वल टू सेवन पाई बाई थ्री भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या, सेवन पाई बाई थ्री मतलब क्या, सिक्सटी डिग्री, सेवन इंटू सिक्सटी ये क्या हो रहा है, फोर ट्वेंटी डिग्री, तो ये नहीं होगा। तो ये जीरो से टू पाई के बीच में नहीं है, सेवन पाई बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो कॉमा टू पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री इज द सॉल्यूशन, ठीक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ इसका ट्रिक क्या होता है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला को ध्यान से सुनना और ध्यान से याद रखना, टू कॉस फोर एक्स फोर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस टू थीटा माइनस वन इंटू टू कॉस थीटा माइनस वन इंटू टू कॉस थीटा प्लस वन, ये होती है एक फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या गिवन है, टू कॉस थीटा प्लस वन होल पावर टेन इंटू टू कॉस टू थीटा माइनस वन होल पावर टेन, ठीक है, इंटू टू कॉस थीटा माइनस वन होल पावर टेन इंटू टू कॉस फोर थीटा माइनस वन होल पावर टेन, ये क्या होगा देखो, ये पूरा ये तीनों को तुम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, टू कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस वन कॉस थीटा प्लस वन, इसका मतलब टू कॉस फोर थीटा प्लस वन की होल पावर टेन इंटू टू कॉस फोर थीटा माइनस वन की होल पावर टेन, इसका अंदर ले लो, टू कॉस फोर थीटा प्लस वन इंटू टू कॉस फोर थीटा माइनस वन होल पावर टेन। तो यहाँ से क्या आने वाला है, फोर कॉस स्क्वायर फोर थीटा माइनस वन होल पावर टेन। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई एट, तो फोर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से क्या आएगा, फोर कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन होल पावर टेन, तो जीरो माइनस वन होल पावर टेन, आंसर क्या आ गया है, वन। तो देखो ये अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये कैलकुलेशन, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना बस। तो आंसर इसमें क्या आया है, वन, तो आंसर इज वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 4x² - 3 = 0। यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो रूट्स क्या क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होती है, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज 0/4, तो ये 0 हो गया है। और प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल टू -3/4। अब देखो सेकेंड अल्फा सेकेंड बीटा फाइंड करनी है, इसका मतलब 1/cos α cos β, दिस इज इक्वल टू 1/-3/4, तो -4/3। आंसर क्या हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन। तो टू लाइनर मतलब एकदम वन लाइनर बोल सकते हो, डायरेक्टली तुम देख के बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू sin²θ + cos⁴θ। ओके, तो हमें ये पता है ना कि cos⁴θ इज लेस देन और इक्वल टू cos²θ, ठीक है। तो चलो दोनों साइड पे sin² ऐड करते हैं, sin²θ + cos⁴θ इज लेस देन और इक्वल टू sin²θ + cos²θ, ठीक है। तो दिस a इज लेस देन और इक्वल टू, अब देखो क्या फाइंड करनी है हमें, ये पूरा साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एक तो मिल गया है, तो ऑप्शन डी और सी, तो डी ए एंड डी तो कैंसिल हो गया है, सिर्फ बी एंड सी में से कोई भी एक आंसर होने वाला है। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, sin²θ + 1 - sin²θ² ठीक है। तो मान लो sin²θ इज इक्वल टू टी, तो ये क्या होगा, t + 1 - t² तो t + 1 - 2t + t² क्या आएगा, t² - t + 1। ये देखो मिनिमम कब होने वाला है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, t² - 2 × ½ × t + ½² - ½² + 1। इसका मतलब t - 1/2² + 1/4, तो 3/4। ये कब मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम कब होने वाला है, इसका मिनिमम वैल्यू व्हेन t = 1/2, ए विल बी मिनिमम, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3/4, हेंस क्या हो रही है, 3/4 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू 1। ओके समझ में आया, ये जो मिनिमम मैक्सिमम वाला फाइंड कर रहे थे ना हमने, यहाँ पे जस्ट बेसिकली इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको जीरो करनी है बस। तो आंसर देखो ऑप्शन बी। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। दिस इज माय लाइफ क्लास शेड्यूल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स जूनियर एंड प्लीज टू ज्वाइन माय लाइफ क्लास, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, आई कैन अश्योर इट। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जूनियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।